अपने रूम के लिए अगर आप एक बहुत शानदार डेजर्ट कूलर लेना चाहते हैं जो आपके रूम को पूरी तरह से चिल्ड करके रख दे, तो ये है मेरा शेर, बजाज का ड्यूरामरीन 90 लीटर कूलर, जो आपके रूम को ना सिर्फ पूरी तरह से चिल्ड करेगा बल्कि आपको भरी गर्मी में एक पतला सा ब्लैंकेट लेने पे मजबूर कर देगा, प्रोवाइडेड आपके रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन हो। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आज आपको दिखाऊंगा बजाज के ड्यूरामरीन 90 लीटर कूलर का एक ट्रू व्यू। हाँ, मुझे पता है आप यही सोच रहे हो कि बजाज वालों ने मुझे एक कूलर भेजा और कहा भैया ये लो 10,600 रुपए का कूलर और हमारे लिए एक वीडियो बना दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इस कूलर को मैंने खुद खरीदा है, लगभग 1 से 1.5 महीना लगातार टेस्ट किया है और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि कूलर है कैसा, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, डिसीजन पूरा आपका होगा। आपको बताता हूँ इसकी लुक्स के बारे में। सबसे पहले देखिए जरा, ये बहुत ही शानदार बिल्ड क्वालिटी के साथ आने वाला कूलर है जो कि ABS प्लास्टिक से बना है और आपको ये दिखाता हूँ। ये शानदार बिल्ड क्वालिटी क्यों काम आती है, क्योंकि आप इसके अंदर 90 लीटर वाटर भी डालेंगे और उसके बाद इसका वेट हो जाएगा बहुत ज्यादा। उस वेट के साथ अगर आप कूलर को थोड़ा सा भी हिलाएंगे और अगर ये टूट गया या क्रैक हो गया, कई भैंस पानी में। इसलिए आपको एक बहुत स्टर्डी और बहुत सॉलिड कूलर लेना है जो कि बजाज का ड्यूरामरीन 90 लीटर है। इस कूलर में आपको बहुत ही थिक हनीकॉम पैड्स देखने को मिलेंगे और ये अच्छी बात होती है किसी भी कूलर के अंदर। और उसके साथ बजाज कहता है कि आपको मिलती है हेक्सा कूल टेक्नोलॉजी, मतलब बजाज का कहना है कि हेक्सा कूल पैड्स के ऊपर, यानी जो हनीकॉम पैड्स आपको इसमें दिए हैं उसके ऊपर से पानी जब ऐसे ऐसे ट्रैवल करेगा तो वो आपको ठंडी हवा के झोंके देंगे, उसे कहते हैं वो हेक्सा कूल टेक्नोलॉजी। और मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा, इसे कहते हैं विनीत मल्होत्रा टेक्नोलॉजी। अब आप इसको इससे ज्यादा कुछ ना समझें। बजाज के इस कूलर के अंदर आपको 4-way एयर डिफ्लेक्शन मिलता है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि सिर्फ अंदर की जो लूवर्स हैं वो ही स्विंग करेंगी लेफ्ट और राइट। ऊपर और नीचे आपको अपने आप इस तरह से एडजस्ट करना होगा, एंड इट इज नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। आपको किसी भी कूलर के अंदर ये जो आगे वाली लूवर्स हैं, यानी ऊपर और नीचे वाली, ये ऑटो स्विंग नहीं मिलती, एंड दैट इज व्हाई इट इज गुड। इस कूलर में आने वाली जो बहुत शानदार चीज मुझे लगी वो है टर्बो फैन टेक्नोलॉजी, जिससे इसका फैन ना सिर्फ बहुत शानदार स्पीड से चलता है बट बहुत स्टेबिलिटी से भी चलता है। किसी भी कूलर का पंखा तेज तो बहुत चलेगा, लेकिन उसके साथ आपको क्या चाहिए होता है, अच्छी स्टेबिलिटी, यानी हाई स्पीड पे अगर फैन चल रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है और उसमें आपको कितना एयर थ्रो मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट है। और इस बजाज के कूलर में आपको दोनों चीजें बहुत शानदार मिलती है बिकॉज ऑफ टर्बो फैन टेक्नोलॉजी, एंड इट इज गुड। इसके साथ साथ आपको जो ड्यूरामरीन पंप बजाज के इस कूलर में मिलता है वो डबल इंसुलेटेड है, जिससे पानी में लगातार कई महीनों तक रहने के बावजूद ये पंप कभी खराब नहीं होगा, ऐसा बजाज का मानना है और मेरा भी, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। डबल इंसुलेशन करिए यार अगर पंप की तो वो अच्छी चीज होगी ना। कूलर के टॉप पे आपको अच्छा खासा साइज का आइस चेंबर दिया गया है और कूलर के नीचे आपको ऑब्वियसली वाटर लेवल इंडिकेटर भी दिया गया है। इसमें सेपरेट वाटर ड्रेनेज और ओवरफ्लो आउटलेट भी दिया गया है और फ्रंट में आपको जो फैन पंप और स्विंग की नॉब्स दी गई हैं ये भी अच्छी हैं। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे LEDs भी मिलती हैं। अब ये LEDs की क्वालिटी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप ये सोचो कि भाई आपके फ़ोन के अंदर जिस टाइप की LED लगी है वैसी ही आपको ये मिलेगी, नहीं ऐसी नहीं है, दे आर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, बट इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि जो नॉब्स की क्वालिटी है दिस इज़ गुड एंड दे वर्क प्रॉपरली। क्योंकि इस कूलर के अंदर 90 लीटर वाटर आना है तो स्टेबिलिटी के लिए आपको बजाज के इस कूलर के अंदर 4 की जगह 5 कैस्टर व्हील्स मिलते हैं और उनकी क्वालिटी अच्छी है। बट आई विश कि इन व्हील्स के अंदर अगर लॉक दिया होता तो थोड़ा ज्यादा अच्छा होता, लेकिन बजाज का ऐसा मानना होगा कि भाई 90 लीटर पानी डालने के बाद इसे हिला कौन पाएगा। बात सही है, लेकिन हमारी मर्जी ना, हम 90 लीटर पानी नहीं डालते, हमारी मर्जी हम 30 लीटर डालेंगे 40 डालेंगे तब तो हिला लेंगे, लेकिन आपको तो लॉक देना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अगली बार दे देना, वैसे कूलर अच्छा है। इस कूलर के पीछे आपको कॉर्ड वाइंडर भी दिया गया है और ओवरऑल अगर मैं इसकी लुक्स और डिजाइन की बात करूं देन इट इज वेरी वेरी गुड। और आप इसे अगर अपने रूम के अंदर रखेंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा किसी भी टाइप के फर्नीचर के साथ। सारी खूबियों के बखान हो गए, अब मैं आपको बताता हूँ कि कूलर एक्चुअली में काम कैसा करता है, ठंडा करता है कि नहीं और हवा कितनी देता है। एक्चुअली में आप जब कूलर के सामने पहली बार बैठेंगे तो आप कहेंगे यार वाह, मतलब इतनी जबरदस्त तेज हवा ये कैसे आ रही है, नया पंप है, नई मोटर है, नया फैन है इस वजह से। नहीं, एक्चुअली में ये बहुत शानदार कूलर है और इसके अंदर जो पंखा लगा है उसकी जो भी टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, आपको एयर थ्रो बहुत शानदार देती है। आपके रूम में एक कोने से दूसरे कोने
तक हवा गारंटीड पहुंचेगी। मतलब ये कूलर 250 स्क्वायर फीट से 300 स्क्वायर फीट तक के रूम को इजीली ठंडा कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के, और इसके अंदर मौजूद 90 लीटर वाटर अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 दिन बहुत आराम से काम करेगा भरी गर्मी में भी, एंड दैट इज वेरी वेरी गुड। दूसरी मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि इसके जो पैड्स हैं, यानी जो हनीकॉम पैड्स इस कूलर के अंदर लगा के दिए हैं, वो बहुत थिक हैं। जनरली आपको ब्रांड्स बहुत थिक पैड्स लगा के नहीं देते, इसमें दिए गए हैं, एंड उससे ये होता है कि पानी बहुत लंबे टाइम तक उन पैड्स पे स्टे करता है और आपको ठंडी हवा मिलती रहती है। इसी को शायद उन्होंने, यानी बजाज वालों ने हेक्सा कूल टेक्नोलॉजी का नाम दिया था, जिसे मैंने मजाक में आपको बताया, बट यस इट वर्क्स रियली वेल, और ये बहुत शानदार बात होती है। ओवरऑल मुझे इसे यूज करने में अबाउट 70 डेसिबल्स के नॉइज लेवल सुनने को मिले। ये मैंने अपने पहले के वीडियो के अंदर, पहले का कंपैरिजन वीडियो भी नहीं देखा, ये रहा वो वीडियो, जल्दी से देखिएगा इसे। पूरे सारे के सारे कूलर्स को कंपेयर करके मैंने आपको बताया कि बेस्ट डेजर्ट कूलर कौन से हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि आपको वॉशिंग मशीन अगर चलाएंगे तो 60-65 डेसिबल्स के नॉइज लेवल मिलते हैं, इसमें 70 मिल रहे हैं। कोई भी कूलर आप लोगे, उसका मोटर चलेगी, उसका फैन चलेगा, उसका पंप चलेगा, तो आवाज होगी। ऐसा कोई कूलर नहीं होता जो दुनिया में साइलेंट हो, ऐसा ये कूलर भी नहीं है। इसके अंदर आवाज आती है, लेकिन जंबो जेट की तरह नहीं, बहुत अच्छे कूलर की तरह, और ये बहुत तमीज से अच्छा कूल करेगा आपके रूम को और आवाज भी थोड़ी कम करेगा। अब आप कहोगे मैंने इंट्रो में कहा था कि आपके रूम को बिल्कुल चिल्ड कर देगा प्रोवाइडेड आपके रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन हो। तो वेंटिलेशन क्या होती है? वेंटिलेशन का सिंपल मतलब है कि अगर आपके रूम के अंदर कोई विंडो है तो उसे खोल लें और उसके बाद कूलर को यूज करें, वरना आपके रूम में अगर विंडो नहीं है तो आप एक छोटा मोटा एग्जॉस्ट, मतलब वो भी विंडो का कुछ काम कर सकता है, आप उसे भी लगा सकते हैं, एंड दिस कूलर विल परफॉर्म ब्यूटीफुली। अब आप कहोगे भाई कितने का मिलता है ये तो बताओ। मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि बजाज आपको देगा 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 2 ईयर्स की वारंटी ऑन द ड्यूरा मरीन पंप, जो आपको इस कूलर में देखने को मिलता है। मतलब देखो, बजाज वालों को कितना यकीन है अपने ड्यूरा मरीन पंप पे कि वो खराब होगा ही नहीं 2 साल तक, इसलिए आपको उसकी वारंटी भी दे दी। लेकिन मेरी बात मानना, आप कोई भी कूलर खरीद रहे हो यार, 10,600 रुपये का कॉस्ट करता है, प्राइस भी अच्छा है, बहुत बढ़िया। इसके लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और VM1 एयर कूलर लिस्ट में, उसमें बाद में जाना। लेकिन ध्यान से सुनो, आप कूलर ले रहे हो 10,500 रुपये का ले रहे हो, लेकिन कम से कम एक एक्सटेंडेड वारंटी भी ले लो, बहुत सस्ती आती है। कूलर को प्रोटेक्ट करके चलोगे पहले दिन से, तो 1 साल बाद भी अगर खराब होगा तो वारंटी वाले आएंगे, अपने आप चेंज करेंगे या रिप्लेस करेंगे या इसको ठीक करा के देंगे, आपकी सिरदर्दी खत्म। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि हर चीज की एक्सटेंडेड वारंटी साथ में लो, अपनी टेंशन करो खत्म। अब आपको बताता हूं इसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि आपको ये लेना है या नहीं लेना है। ये कूलर बहुत ज्यादा अच्छा है, आपका 300 स्क्वायर फीट तक के रूम को बहुत इजीली चिल्ड कर सकता है, प्रोवाइडेड मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आपके रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन है तो। नाउ इसके अंदर आपको बहुत अच्छी स्टर्डीनेस भी मिलती है, बिकॉज द बिल्ड क्वालिटी, एक बार और टाइप कर दिया देखो आपके लिए, ये बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। आपको स्टर्डीनेस इसलिए और ज्यादा मिलती है कि आपको 4 की जगह 5 कैस्टर व्हील्स देखने को मिलते हैं। मतलब 90 लीटर वाटर अगर आपने डाल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज स्टर्डी, शेक नहीं करेगा, हिलेगा नहीं, टूटेगा नहीं, क्रैक नहीं होगा। ये बहुत अच्छी चीज होती है किसी भी डेजर्ट कूलर के अंदर। आपको एयर थ्रो इसका बहुत जबरदस्त देखने को मिलता है, मजा आएगा आपको, एक कोने से दूसरे कोने तक प्रॉपर हवा जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मुझे एक छोटी सी दिक्कत लगी थी, है इसके अंदर भी 2 कॉन, एक कि इसके अंदर आपको इधर मॉस्किटो नेट नहीं देखने को मिलता। अब मतलब ये वाली चीज आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करे, हो सकता है ना भी करे, हो सकता है करे, आपको बताना मेरा फर्ज है, लेकिन इसमें आपको किसी भी तरफ मॉस्किटो नेट देखने को नहीं मिलता। और दूसरा, इसके जो लूवर्स हैं ये कंप्लीटली शट नहीं होते, मतलब पूरी तरह से बंद नहीं होते। क्यों चाहिए होते ये? वही मॉस्किटो के लिए, मतलब मच्छर अंदर जाएंगे, पानी में अपना घर बनाएंगे, आपको वो नहीं चाहिए। अगर आपका कूलर 24 घंटे चलना है, मतलब दिन में भी रात में भी चलना है, तो मच्छर जाएंगे कैसे? उनको रास्ता ही नहीं मिलेगा। अगर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके लिए कौन नहीं है, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 10,600 रुपीज इज द प्राइस। ये बहुत ज्यादा स्टर्डी कूलर है, आपके रूम को चिल्ड कर सकता है, और इसके अंदर किसी टाइप की मुझे और कोई कमी देखने को नहीं मिली मेरी टेस्टिंग के दौरान, एंड नाउ यू कैन गो एंड बाय इट। अब आप सोच रहे होंगे कि कूलर मैं खरीदता हूँ, खरीदते ही क्यों हूँ, क्यों बता रहा हूँ मैं आपको ये सब? इसलिए बताता हूँ ताकि आप जब अपने पैसे खर्च करें, जो कि आपने बहुत मेहनत से कमाए हैं, तो आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिले। और उसके लिए मैं अपने पैसे पहले लगाता हूँ सारे कूलर्स को, सारे प्रोडक्ट्स को पहले खुद खरीदता हूँ, टेस्ट करता हूँ, और आपको ऐसा कंपैरिजन करके दिखाता हूँ जो आपने थोड़े दिन पहले देखा, और उसके बाद आपको इनके डेडिकेटेड वीडियो भी दिखाता हूँ, ताकि आप एक प्रॉपर डिसीजन ले सकें, अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट कर सकें और एक सही प्रोडक्ट
प्रोडक्ट खरीद के अपने घर में सारे परिवार के साथ एंजॉय कर सके। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहती है आपसे, अगर आप इस कूलर को या किसी भी और प्रोडक्ट को मेरे दिए गए अफिलिएट लिंक के द्वारा परचेज कर लेंगे तो आपका प्राइस सेम रहेगा, मतलब 10,600 का है तो 10,600 का ही रहेगा, आपके लिए प्राइस बिल्कुल चेंज नहीं होगा, लेकिन इस चैनल की फाइनेंशियली थोड़ी सी मदद होगी, जिससे पैसे जोड़ जोड़ के हम ऐसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, अपना खर्चा भी चलाते हैं और आपको एक ट्रू व्यू दिखाते हैं जो आपको दुनिया में और कोई नहीं दिखा सकता, ये मेरी गारंटी है आपको। और आपको कैसा लगा ये वीडियो ये जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, और अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसका जल्दी से जल्दी आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आपको मिलता हूं अपने अगले ट्रू व्यू में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।